खुश आमदीद ख्वातिन हजरात, आप देख रहे हो नारवा लिटरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेजबान नारवा वाला। आज की कहानी में बात करनी है कश्मीर के फेमस कंटेंट क्रिएटर राशिद सरफराज से। आइए जाने इनके क्या तासुरात है सोशल मीडिया के हवाले से। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है राशिद सरफराज नारवा लिटरी सोसाइटी पे। थैंक यू सो मच मंजू भाई। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दें ताकि मेरे जो व्यूअर्स है इस चैनल पे वो भी थोड़ा सा जाने कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो और आप क्या काम करते हो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके जितने भी व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं उनको हमारा प्यार भरा सलाम। तो मेरा नाम है राशिद सरफराज और मैं जैनपुरा मंजगाम एरिया में रहता हूँ। तो मेरे बारे में मैं भी कुछ लोग जो आप अभी देख रहे हैं तो कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है मुझे सोशल मीडिया पे जी। काफी टाइम से मैं काफी एरियाज को प्रमोट करने में लगा हुआ हूँ। तो स्टार्ट मैंने किया था व्लॉगिंग से 2019 में, मई चल रहा था जी। उस टाइम मैंने एक व्लॉग बनाया था अपने एरिया में, यहाँ से शेरी से मैंने स्टार्ट किया था बराबर रिजर्वेयर तक। ओके। क्योंकि उस टाइम मतलब ये व्लॉगिंग का कंसेप्ट ज्यादा नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना हम इनको इन एरियाज को प्रमोट करें। तो वो ब्लॉग जब मैंने बनाया तो लोकल सपोर्ट इतना ज्यादा मिला मुझे, मतलब क्योंकि इस एरिया में ऐसा कुछ पहली बार होता है ब्लॉग टाइप। करेक्ट। बाहर हिंदुस्तान में तो पता ही है वो हमसे काफी आगे हैं, कश्मीर में थोड़ा लेट ही है चीजें हमें समझ आती हैं। तो काफी सपोर्ट मिला काफी सारे लोगों का और ऐसे ही फिर जब अच्छी अच्छी कमेंट्स मिली, अच्छे व्यूज आए तो धीरे धीरे करना मैंने स्टार्ट किया। फिर बाकी हाजीबल है, नमलन वाटरफॉल है और भी काफी सारे एरियाज हैं, धीरे धीरे मैंने उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो इंट्रो यही है समझ लो, एक्सप्लोरर, कंटेंट क्रिएटर, तो उसके बाद फूड व्लॉगिंग वगैरह ये सब मैंने मिक्स किया क्योंकि हर चीज लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बनानी पड़ती है। राशिद भाई, आपने बात की अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के हवाले से, आप बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा मीडिया वर्ल्ड पे। जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। तो देखिए, काफी टाइम से जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, किसी लोकल लड़के एक ने बनाई थी, दुदरन का कोई एक लड़का था, उसने वो वीडियो बनाई थी। दुदरन कहाँ पड़ता है? दुदरन एरिया है बोनियार तहसील में। बोनियार से 10-15 किलोमीटर आप जाएंगे तो बोनियार के बाद तिरकांजल वगैरह आता है, तिरकांजल से ऊपर पहाड़ी एरिया है। तो मतलब आप अगर उस एरिया में जाओगे ऐसे पुराने टाइप के आप वहाँ चीजें देखोगे ना, आप कहोगे कि कितना पीछे है ये हमसे, लेकिन वहाँ पे सुकून है, नेचर, मतलब ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली वहाँ पे वो है, वो स्टोर करते हैं दूध अपने घरों से लाके, जिसे हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ्रिज एक टाइप के उन्होंने घर से बाहर बनाया। रेफ्रिजरेटर जी, सब घरों का अपना अपना एक फ्रिज है, लकड़ी का बना हुआ है, स्ट्रक्चर पत्थर यूज किए हैं। तो वहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी आता है तो वो घर से दूध वहाँ पे रखते हैं, दही वहाँ पे रखते हैं जो बिना बिजली के चलता रहता है, और पूरा साल वो अपने घर से दूध वहाँ पे रखते हैं। तो उस चीज को मैंने जब एक्सप्लोर किया, मैंने वीडियोज उस पर बनाई तो काफी ज्यादा प्यार मिला। 2-3 दिनों में वो मिलियन क्रॉस कर गई थी। तो उसके बाद काफी मीडिया पर्सन वहाँ पे आए, स्पेशली नेशनल लेवल के लोग वहाँ पे आए, दिल्ली से टीम आई, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैं उनको दुदरन लेके गया, उन्होंने उस पर न्यूज की। उसके बाद और भी काफी सारे यहाँ पे कश्मीर के जितने भी न्यूज पेपर्स हैं उन पे उसकी स्टोरी हुई, पिक्चर्स वगैरह मैंने उनसे शेयर की। वो अलग बात है कि उन्होंने फिर क्रेडिट्स नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, मुझे क्रेडिट्स चाहिए भी नहीं, हम एरिया को प्रमोट कर रहे थे, एरिया प्रमोट हो गया उतना ठीक है। तो उसके बाद काफी सारी स्टोरीज, अगर आप आज दुदरन सर्च करोगे गूगल में तो आपको वहाँ की वीडियोस मिलेंगी, वहाँ पे स्टोरीज जितनी हुई है वो मिलेंगी, लेकिन पिक्चर्स जो है वो मेरी है, पिक्चर्स मैक्सिमम मेरी है। और उसके बाद वहाँ पे एक दो रिपोर्टर भी गए, तो काफी अच्छा रहता है जब हम किसी एरिया को प्रमोट करें तो वो नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है जब अच्छे से आप उसको एक्सप्लोर करोगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि किस तरह का कंटेंट हमारी सोसाइटी जो है वॉच करना चाहती है। कंटेंट देखिए, अगर आपका कंटेंट यूनिक होगा, और आज ऐसा एक दौर चल रहा है ना कि लोगों को अब कदर आ रही है कि पुराने जमाना कैसा था, उस टाइप कैसी कैसी चीजें थी, मतलब अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को आप एक्सप्लोर करोगे जो काफी टाइम पहले यहाँ कश्मीर में होती थी। तो अगर ऐसी ऐसी चीजें आप अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करोगे तो उसमें काफी ज्यादा प्यार मिलता है, और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि लोग पूरी फैमिली मिलके वो कंटेंट देखे। ऐसा ना हो कि आजकल आप देखें कश्मीर में कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, वैसा कंटेंट बनाते हैं, वो अकेला इंसान भी शर्म आ जाती है उसको अकेले में देखने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इस चीज पे कि मेरा कंटेंट ऐसा होता है कि पूरी फैमिली मिलके वो कंटेंट देखती है, तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा स्कोप है आगे। आपका क्या मानना है, क्या फ्यूचर रहेगा जो सोशल मीडिया, जो कंटेंट क्रिएटर्स है कश्मीर की बात करें तो उनका क्या फ्यूचर रहेगा? अगर
फ्यूचर तो काफी अच्छा है इसमें। जैसे एक बंदा जाता है सुबह 9 बजे जाता है वो जॉब पे, शाम को 4-5 बजे आता है जी, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है इसमें, और मतलब वो किसी के अंडर काम करता है। अब अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, अपनी मर्जी से कहीं पे जाएंगे, मर्जी होगी नहीं जाएंगे, तो अच्छी अर्निंग भी आपको मिल जाती है। जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई कमाता है आप उससे ज्यादा कमा सकोगे, लेकिन तब जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ इज्जत भी होनी चाहिए, और आप मतलब दुनिया में आए हैं, सबको जाना ही है, एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो मरते दम आज के बाद 10 साल 20 साल 30 साल आने वाली जनरेशन वो देखती रहेगी। तो स्कोप काफी अच्छा है, लेकिन कंटेंट आपका सही होना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले, खासकर यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए आपकी तरफ से एज ए कंटेंट क्रिएटर क्या मैसेज दोगे आप? मेरी हमेशा से यही मैसेज है, स्पेशली एक मेरी मैसेज रहेगी, अगर कोई बारामूला यहाँ का कोई देख रहा है तो उनसे ये मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा अपने एरियाज को प्रमोट करो। यहाँ पे लोकल टूरिज्म काफी ज्यादा है, लेकिन बाहर से मतलब हिंदुस्तान के किसी को आप पूछोगे बारामूला का नाम, वो तो उनको बारामूला का नाम पता ही नहीं है। बराबर। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा हम सबको मिलके प्रमोट करना है अपने एरियाज को। और दूसरा, जो यूथ स्पेशली मुझे देख रही है, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आजकल हमारे गांव में भी स्पेशली छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब चीजें छोड़ दो, इससे कुछ भी आपको मिलने नहीं वाला है। आप अच्छा काम करो, अच्छा कंटेंट बनाओ, सोशल मीडिया पे आओ, या और भी काफी सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन सही तरीका होना चाहिए तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हलाल तरीका होना चाहिए, हलाल तरीका होना चाहिए, तो आप उस सब चीज में ड्रग्स वगैरह छोड़ के इस सब चीज में आओ, मेहनत करो, और अपने घर वालों को भी प्राउड फील कराओ कि आपके माँ बाप ने आपके लिए अगर मेहनत की है तो आप ऐसे बन के दिखाओ कि कल को वो भी प्यार से कहें, इज्जत से अपना सर उठा के चलें कि हाँ जी हमारे बच्चे जो हैं तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मैसेज यही। राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। सलाम अलैकुम।